जो भी स्वीट के हैं, चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। यहाँ से हम एंटर करते हैं आते हॉल में, जिसका साइज जो है यहाँ से यहाँ तक की साइज के लिए ये 5 फीट 10 इंची का। जब यहाँ आ जाते हैं तो ये साइज बढ़ जाती है, जो कि 11 फीट 9 इंची के हो जाते हैं। और ये टोटल वर्क दिखा जाए यहाँ पर तो ये आपको 11 फीट 7 इंची के मिलेंगे। यहाँ पे आपको किचन देखने को मिलेगा, जिसका साइज है 4 फीट 10 इंची। ये मैंने 4 फीट 10 इंची और 5 फीट 4 इंची ये साइज है। बात करें यहाँ पे स्टेयर के, तो स्टेयर का साइज जो है फ्लैट वाइज रखा गया है 3 फीट के। और यहाँ पे इसके ट्रेड की बात करें तो वो 10 इंच का रखा गया, और इसके राइजर की बात करिए तो 7 इंच का रखा गया है। इसके सारे वन कम्बाइंड है बाथरलेट, जिसका साइज 3 फीट 6 इंची में 7 फीट 7 इंच के रखे गए हैं। बात करें इस बेडरूम का, जिसका साइज 11 फीट बाई 11 फीट का रखा गया, और इस बेडरूम का साइज 11 फीट 9 इंची बाई 11 फीट का रखा गया है। यहाँ पे हॉल देखें तो हॉल की बात करें तो यहाँ से अगर यहाँ पे आप कोई वॉल नहीं लगाते हैं यहाँ पे, तो आपको ये टोटल यहाँ से आपको टोटल वर्क मिल जाएंगे हॉल में, जो कि काफ़ी बड़ा साइज है हॉल का। और यहाँ से इसके 3 साइड जो है ऑलरेडी पहले से ही बिल्डिंग थे, तो इसके साइड में हमने कोई वेंटिलेशन के लिए कोई विंडो नहीं दिया। अब बाकी इसके सीलिंग हाइट को देखें तो वो आपको 11 फीट के मिलेंगे, और इसके प्लिंथ वाल की बात करें तो 10 इंची के, और वाल जो सभी वाल हैं वो 5 इंच के रखे गए। बाकी डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसके रिगार्डिंग और कोई डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।